नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चले सुबह सुबह काशी, जहां पर आप देख सकते हैं कि काशी में गंगा माँ की साक्षात्कार दर्शन आप कर सकते हैं। आ इस वक्त सावन का महीना भी चल रहा है और काशी दर्शन करना भी जरूरी है। हम आपको बताते चलूं कि आप जहां पर हैं, आपके नज़दीकी मंदिर है या आपके तीर्थ स्थल हैं, तो आप जरूर से जरूर इस सावन में शिव बाबा जी से आशीर्वाद लेने जरूर पहुंच जाइए। जैसे कि बाबा धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर और हरिद्वार और भी बहुत सारे हमारे देश में भारत की परंपरा और परंपराओं के साथ साथ सनातन धर्म की आज जो है आस्था से जुड़ी हुई आज यह मौसम चल रहा है सावन का महीना। तो आओ चलें काशी दर्शन करने। इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूं काशी में और आपको दिखाएंगे कि सुंदरता की जो झलक दिखाई दे रही है आज जो है अनेक दूर दराज से आए हुए शिव विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। बहुत भव्यता और बहुत ही खूबसूरती का नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं। इस समय हम गंगा घाट पे हूं और आप समझ सकते हैं कि गंगा माँ का साक्षात्कार दर्शन आपको कराएंगे। शिव बाबा जी की पूजा अर्चना करना हम सबके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है और उनसे वरदान मांगे। इस समय आप खुली दरबार में वरदान मांग सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यह है काशी और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने गंगा माँ की घाट पर खड़ा हूँ, दशमेश घाट, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दर्शन आपको काशी का दर्शन कराएंगे और लगातार आपको करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारी रिपोर्टिंग। हमारे भारत की संस्कार सांस्कृतिक रीति रिवाज भारत की एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ आस्था सभी को एक प्रिय रहा है, सभी को प्यार है, सभी को मोहब्बत है। सभी पर्व की परंपरा रीति रिवाज आज संस्कार सांस्कृतिक रीति रूप रेखाएं आज हमें दिखाई दे रही है। भारत की धार्मिक रीति रिवाज पुराने संस्कारों से जुड़ा हुआ सनातन धर्म से हम आज त्यौहार बहुत सारे मनाते आए हैं और सभी सनातनियों को यह धर्म अपने जो है हिसाब से अपनी जो है परंपराओं के अंतर्गत मनानी चाहिए। यह हमारे देश की मजबूत सनातन धर्म है। तो भारत की धार्मिक रीति रिवाज से निकलकर आज हम सभी को एक अच्छे ईमानदारी के प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए और अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम हैं इस वक्त काशी में और आप देख रहे हैं लगातार हमारी रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको हम सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ा हुआ सारे खबर आपको सुबह सुबह बताते हैं। तो ये है हमारे भारत की विराजमानता, ईमानदारी, सांस्कृतिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ मेरा भारत, जो सभी आज जो है विश्व समुदाय के लोग भारत को एक लोहा मानते हैं और या विश्व गुरु मानते हैं। एक विश्व संगम का दर्शन हम करते हैं। आइए धार्मिक तीर्थ स्थलों से लिया जा सकता है, हम सभी को दिन प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। यदि आप तीर्थ स्थल पर आपके पास जो है उस तरह का आर्थिक स्थिति नहीं है दर्शन करने का, तो आप जो है दिन प्रतिदिन जो भी आपके नज़दीकी मंदिर है वहाँ पर घंटों जाकर बैठना चाहिए और जो है पूजा अर्चना जरूर से जरूर सुबह सुबह करना चाहिए। अपने आप करें और पूरे परिवार को भी कहें कि पूजा अर्चना करने के लिए यदि हो सके तो अपने पड़ोस को भी जागरूक करें अपने धर्म के प्रति, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म से चली आ रही पुराना है, जो कि आप समझ सकते हैं इसकी कोई गाथा ही नहीं है कि कितनी साल पुराना हिंदू समाज का जो हिंदू परंपरा है ये है ही जो है जाने जाते हैं पुराने संस्कारों से। तो हम सब आज जो है अटल हैं और भी सनातन धर्म की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं और देखते आना चाहिए। अपने बच्चों को भी सनातन धर्म की पाठ पढ़ाना चाहिए, सनातन धर्म की जो है गाथाएं उन्हें सुनानी चाहिए और यही मेरी पहचान है। मेरी पहचान एक भारतीय है जो सभी देवी देवता हमारे भारत में ही विराजमान हैं। चलो सुबह सुबह माँ गंगा की काशी में आपको दर्शन कराते हैं। सुबह सुबह माँ का दर्शन करने से और शिव बाबा जी का दर्शन करने से सारे मनोकामनाएं आपके पूर्ण होंगे। आपके बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे बनेंगे, आगे अफसर होंगे, बहुत सारे देश विदेश की यात्रा करेंगे। बहुत सारी ऐसी लोगों की मान्यताएं हुआ करती है और सभी लोग जो है मानते भी हैं और
हर दिन अपने जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं और मनोकामनाएं भी भगवान से दिन पर दिन मांगते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो ये है हमारे देश की संस्कार, हमारे देश की रीति रिवाज। हम इस वक्त गंगा माँ का दर्शन आपको करा रहे हैं और आप करिए, माँ की आशीर्वाद लीजिए और वह है कल्याणकारी सतियों पुरानी, जो आप पूर्वजों का हमारे जो सनातन धर्म से आज त्योहारें मनाते आए हैं, या आपको भी मनाने की जरूरत। फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।